मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो अलग अलग किस्म की संगीत सुनते हैं, आज वो भी पसंद कर रहे हैं ये गाना। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बेहद ही सुरीले शेखर रवजानी जी का एल्बम नया आया, सिंगल सामने आया है। अब शेखर क्या रंग चढ़ाने वाले हैं, हम शेखर से जानते। शेखर क्या रंग क्या चढ़ाया है आपने, वाह! बात है सर। तभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि आप ये कनेक्शन कर रहे थे और साथ में आप गाना भी गुनगुना रहे थे, दा रा रा री रे रे रा 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 रा, आप कर रहे थे अभी हाँ ये अगर अगर ये नोट्स चढ़ गए तो रंग लग गया, बस ये समझ लो आप। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये नोट्स आपने ऐसे चूज किए हैं कि जी वो एक दो बार सुनने में ही जबान पे अपने आप आ जाते हैं, और इतना उसका मजा है सुनने का, थैंक यू तो पराग वो जी, रंग थैंक अपने आप जमा हुआ है। यू सो मच, बहुत प्यार है आपका सर, थैंक यू। तो इसमें मतलब ये जब कंपोजिशन आपने बनाया है, ये सब पूरा विजुअल हम देखते हैं, ये जी कैसे, क्या दिमाग में था आपके ये गाना बनाते समय? क्योंकि रंग टाइटल है और शेखर में एक एडिशनल अल्फाबेट लगा हुआ है। ये आपने नोटिस करके एक बहुत बड़ी चीज कह दी मुझे आप। सर ऐसा है कि पिछले 1.5-2 साल से संगीत के साथ फिर से एक मोहब्बत हो गई, बेहद एक जो जुनूनी जो एक मोहब्बत होती है, जो एहसास मुझे 30 साल पहले हुआ था, 30-35 साल पहले हुआ था, कि एक जब संगीत आपकी जिंदगी में जब आता है और जब आप और कुछ नहीं बस सिर्फ संगीत ही संगीत दिखता है बस आपको, ये वक्त वापस आना बहुत जरूरी था मेरे लिए। कोविड के समय में ये 1.5-2 साल के जब जब सब कुछ रुक गया और सब कुछ थम गया, तब वो मोहब्बत फिर से आ गई, वो फिर से वो वक्त मिला मुझे, इतना वक्त मिला कि मैं बस अपने पियानो पे बैठ के सिर्फ हर दिन गाने पे गाना, गाना पे गाना, गाना पे गाना। बहुत सारे लिरिसिस्ट दोस्त भी थे, एक दूसरे के साथ क्या बात करते हो, और इसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, इसको ये, जो खुशी का माहौल ये था कि हर दिन एक नया आइडिया, एक नया थॉट बन रहा था। तो ये गाना 1.5 साल पहले बनाया गया, ये गाना मैं घर पे बैठ के, स्टूडियो सब बंद हो गए, तो अपना पूरा सेटअप लेके, स्टूडियो का सेटअप लेके मैं अपने घर पे अपने बेडरूम में मैंने ये सेटअप कर दिया। और मैंने डिसाइड किया कि अब पूरा दिन करना क्या है, पूरा दिन यही करना है कि भैया घर पे थोड़ा थोड़ी हेल्प कर लो, जो जो अगर साफ सफाई है, खाना पीना है, ये है वो है, जो भी है, परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना, वो भी बहुत एक अच्छी चीज हुई। और साथ में ऐसा था कि मैं सुबह जब पियानो पे बैठता था तब ये सोच के बैठता था कि आज शाम को जब मैं अपने वॉक के लिए जाऊं तब एक नया गाना मेरे फोन पे होना चाहिए, हेडफोन्स पे मैं सुनूंगा। तो एवरी डे देर वॉज अ थॉट कि यार ये आज तो एक गाना बना के ही मैं जाऊंगा, अच्छा हो बुरा हो वो एनालाइज नहीं करूंगा, सिर्फ जो अपने एक एक जो चित्र बनाई हुए है वो चित्र लेके मैं बस वॉक पे निकल जाऊंगा, उसमें से रंग एक गाना है। यह आपने बहुत सुंदर बात कही शेखर की, मतलब राजा के जो चित्र है, जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसके वो चित्र बनाना बहुत मुश्किल काम है। आजकल MF हुसैन टाइप के गाने तो बहुत बन रहे, एक सरल गाना जो कि जी बहुत सुंदर और हमेबल हो, ये बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया आज के दौर में। जी हाँ, ये एक ऐसा समय आता था पहले, और आप ऑब्वियसली आप सीनियर जर्नलिस्ट हो तो आप जानते ही होंगे कि जब आप कुछ चीज बनाते हैं और जब आपको पता नहीं होता कि वो चीज का होगा क्या, तो उसका जो रस है, उसका जो मजा है, वो अलग ही होता है। जब आप सोचते हैं कि हाँ यार एक ये मार्केट के लिए मुझे ये गाना बनाना है, तो उसकी सोच थोड़ी बदल जाती है, लेकिन आप जब सोचते हैं कि ये मैं बनाता हूं, उसका कुछ हो या ना हो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन एक खुशी मिलती है, एक आत्मा को शांति मिलती है कि यार ये जो है ना एक रंग चढ़ गया, उसमें मजा आ गया, एक माहौल बन गया। तो ये सोच के मैंने ये सब गाने बनाए, और उसमें से रंग एक गाना ऐसा था कि मैंने जो लिरिसिस्ट है ये गाने के, प्रिया सरैया, मैंने उनको कहा कि यार ब्रिज भाषा में कुछ लिख दो यार, बहुत मजा आएगा, बहुत समय से ब्रिज भाषा में कुछ बनाया नहीं, तो ये धुन पे उन्होंने ये बोल लिखे, और बोल लिखने के बाद उसको मैंने एक बहुत ही यूनिक वो यूरोपियन क्लासिकल काइंड ऑफ टच, जो अकॉर्डियन और मैंडोलिन के साथ ये जो मिश्रण था दोनों का, ये मिश्रण ऐसा था कि ये सुन के मेरे कान को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, माय फादर इज अ फैंटास्टिक अकॉर्डियन प्लेयर,
फैंटास्टिक। तो मैंने सोचा कि जो पिताजी जो म्यूजिक सुनते थे और जो आज भी सुनते हैं और इतना चाहते हैं उस स्टाइल को, इटालियन म्यूजिक हो, फ्रेंच म्यूजिक हो, इसका फ्लेवर अगर ये ब्रिज भाषा की कॉम्पोजिशन के साथ अगर आ जाए तो एक यूनिक साउंड बनेगा, और ये यूनिक साउंड आज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं वीडियो को और गाने को, उसकी स्ट्रीमिंग बहुत बढ़ गई है, लोग कहते हैं कि गाना चार्ट्स पे है, लोग कहते हाँ, हैं 5 मिलियन कि लोग देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं। 5 मिलियन पीपल हैव लव्ड इट। तो ऐसा है कि सच्चा काम किया है और लोगों की तारीफ मिल रही है, तो बस और क्या चाहिए एक म्यूजिशियन के। मतलब ये गाना जब मैंने देखा, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये जी गाना बनने के बाद क्या होता है ना, कि जब एक कृति घट हो जाती है, उसके जी बाद रचनाकार को समझ में आता है कि हाँ यार ये हो गया। और ये ये बात गाना बनने के बाद आपको भी बिलीव था कि ये बन गया गाना, इसलिए आपने वीडियो में कोई तामझाम नहीं किया। बड़ा मतलब जैसे हमारी पार्टी म्यूजिक होता है, हम घर पे गाना बजाना करते दोस्तों के बस साथ, वैसे वैसे ही ही, आपने छूट करके उसको रिलीज कर दिया। ये तो सिंपलिसिटी जो है, वो सरलता जो है, वो सरलता संगीत में सिर्फ नहीं लेकिन वीडियो में भी वो आपको दिखाई देगी। एक्चुअली क्या है कि ये जो एक क्लासिक फ्लेवर जो आता है आपको साउंड से, वो क्लासिक फ्लेवर वीडियो में भी दिखाना था, और जो साउथ बॉम्बे की जो एक एक खूबसूरती है, इसकी एक चाम है, अब ताजमहल पैलेस होटल ले लो, उसके पीछे जितने भी वो स्ट्रक्चर्स हैं इतने खूबसूरत हैं। रवि जाधव जो नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर, जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया वो, और सूफी स्कोर, और हम ऐसे फोन पे बात कर रहे थे और हमने सोचा कि यार ये क्लासिक जो इसमें एक फील जो है म्यूजिक में, वो विजुअली भी वो फील आना चाहिए तो मजा आएगा। तब हमने सोचा कि हम इसको मैजिक आवर में शूट करते हैं, 7:20 और 7:35 के बीच में शाम को। तो ये वीडियो सिर्फ 15 मिनट में शूट किया गया, क्या और बात है, उसका मतलब ये तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड म्यूजिक वीडियो है। जी जो अंधेरे के पहले जो कलर होता है आसमान का, वो रंग को कैप्चर किया गया सिर्फ 15 मिनट अंधेरे के पहले, और 7:20 को मानसून में बारिश में, 7:20 को ताज की लाइट शुरू हो जाती है, वो ऑन हो जाती है, और जो डोम है वो डोम की लाइट्स ऑन हो जाती है। जब वो ऑन हुई तब डायरेक्टर ने कहा एक्शन, और शुरू हो गया, 15 मिनट में अंधेरा हो गया और हमने कंप्लीट कर दिया पूरा शूट। ये उस तरह की मेहनत है जो दिखाई वैसे नहीं पड़ेगी कि यार डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, लेकिन उस सिंपलिसिटी के पीछे भी कितना रिसर्च और मेहनत है, ये समझ में आ रहा है जो सरल चीजें हैं वो सबसे मुश्किल होती है। निश्चित जी तौर पर। जी आखिर अब ये वाय के पीछे का रहस्य है, वो भी समझा दीजिए। सर, शेखर में जो वाई एडिशन है वो एक स्क्रीन नेम है जो मैंने अपने लिए चुना है, जो एक नॉन फिल्म, जो मेरा पॉप का ये जो सफर है उसके लिए मैंने ये नाम चुना है। मेरी माँ का आशीर्वाद है, उनका एक थप्पा है कि बेटा ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसके साथ जाओ, तो अभी उनके क्या बात आशीर्वाद है, के साथ मैं चल रहा हूँ सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें मैं एक चीज और जरूर ऐड करना चाहूंगा कि उसकी खूबसूरती इस एल्बम की इसलिए भी बढ़ जाती है कि आपकी हेयर स्टाइल में उसमें बहुत ऐड ऑन किया है। सर हेयर स्टाइल का ऐसा था, मैं आपको सच बोलता हूँ कि ऐसा था कि बारिश का समय था तो हमें पता नहीं था कि बारिश होगी नहीं होगी, तो मैंने हम मेरे दोस्त है आलिम हकीम जो हेयर स्टाइलिंग करते हैं, तो मैंने बोला आलिम अगर बारिश हुई तो बाल मुझे बांधने पड़ेंगे, मैं खुला तो नहीं रख सकता क्योंकि बहुत अजीब लगेगा। और लकीली क्या हुआ कि वो 15 मिनट में, एग्जैक्टली 15 मिनट्स में बारिश नहीं हो रही, तो क्या मैंने बात अपने है, बाल खुले छोड़ दिए, बहुत हवा आ रही थी, और रवि ने बोला कि यार ये बहुत अच्छा लगेगा, तो रवि का इसलिए गट एकदम बाल। करेक्ट गया। हाँ बिल्कुल, इंस्टिंक्ट, आई थिंक सब लोग इंस्टिंक्ट पे चल रहे थे, अच्छा मौसम, अच्छे लोग, अच्छा लोकेशन, अच्छा संगीत, तो अपने आप मैजिक क्रिएट हो जाता है सर। क्या बात है, जगजीत साहब की गजल है ना, अच्छा सा कोई मौसम, अच्छा सा कोई, उस तरह की बात हो गई। और वाकई बहुत ही खूबसूरत एल्बम निकल कर आया है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सादगी की सीरीज आपको शुरू करना चाहिए, कि ऐसे ही आपका एक गिटारिस्ट हो, आपके पियानो अकॉर्डियन, और वैसे ही शूट हो, एक सीरीज इसी तरह से हो, तो वो वैसे ही लोगों को बहुत पसंद आएगी मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों का प्यार है, और आज भी सरलता के लिए और अच्छे शब्दों को सुनने वाले, अच्छे संगीत को सुनने वाले आज भी लोग मौजूद हैं जो
हम जैसे आर्टिस्ट को एक प्यार दे सकते हैं और उम्मीद दे सकते हैं कि हाँ ये संगीत जो है वो आगे जाके लोग सुनेंगे, उसे पसंद करेंगे। आज भी हम नौशाद साहब हो या शंकर जयकिशन साहब हो या SD बर्मन साहब हो, उनका म्यूजिक आज भी लोग पसंद करते हैं, आज भी लोग उसको गाते हैं, आज भी लोग वो म्यूजिक को दूसरी जनरेशन तक लेके जाते हैं। वो बहुत बड़ी चीज है। तो आज बिल्कुल मेरा बिल्कुल मेरे लिए एक बहुत मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि आपको ये गाना पसंद आया। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो अलग-अलग किस्म की संगीत सुनते हैं, आज वो भी पसंद कर रहे हैं ये गाना। तो है, होप है, अच्छे संगीत का होप है। निश्चित तौर पर होप है, और मैं दुआ करूंगा, उम्मीद करूंगा कि ऐसी अच्छा अच्छा म्यूजिक आपसे आता रहे। आप कच्छ से आते हैं और कच्छी जी लोग जो हैं वो भी बहुत कमाल के बिजनेसमैन होते हैं। ये कच्छी जी लड़का म्यूजिक की तरफ कैसे बढ़ा? सर, मैं बिजनेस फैमिली से हूं और बहुत कमाल का बिजनेसमैन हूं सर। कैसे ना, जीन्स में जेनेटिक आपको क्या मिलता है। तो मुझे बिजनेस के साथ साथ मुझे संगीत मिल गया अपनी माँ से, अपने पिताजी से। जो आशीर्वाद है जो माता पिता से मिला है, साथ में बिजनेस का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक वो भी मिला है साथ में। आई थिंक आई एम क्या वेरी गुड बोथ दीज थिंग्स टुगेदर। कभी वक्त और ऐसा वो हो तो मैं आपके पिताजी का जरूर इंटरव्यू करना चाहूंगा, क्योंकि अकॉर्डियन बजाने वाले आर्टिस्ट जो है वो बहुत रेयर है, तो बहुत कम है, बहुत कम है। और ये ऐसा उनका इंस्ट्रूमेंट, इंटरव्यू भी मैं जरूर करना चाहूंगा जब भी आप मुनासिब समझे। बहुत खुश होंगे वो। एक्चुअली हम ऐसा है कि जो म्यूजिक ऐसी चीज है, संगीत ऐसा चीज है कि कभी कभी क्या है ना, उसको आप शब्दों में उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कभी आप क्या आप बनाते हो, कुछ आप कुछ सजाते हो और लोगों तक पहुंचाते हो, लेकिन कैसे आपने किया वो आप नहीं कभी नहीं बता सकते। आपको कोई आर्टिस्ट नहीं बता सकता कि यार ये मैंने कैसे किया, या ये कैसे हुआ, या ये धुन इतनी अच्छी कैसे बनी। हम जब कुछ करते हैं कुछ, तो एक कनेक्शन बन जाती है ऊपर वाले के साथ। वो जब कनेक्शन बन जाती है, वो कनेक्शन को डिस्क्राइब करना असंभव है, वो कर ही नहीं सकता। वो जो देता है आप आगे देते हो, क्या बात, आप सिर्फ एक माध्यम हो और कुछ नहीं। बहुत सही बात मेरा कही है। यू आर ब्लेस्ड कि आप हमेशा से बेहतर ही काम करते आए हैं, भले विशाल शेखर का संगीत हो या आप जो कर रहे हैं सोलो में, उसमें आप हमेशा ही बहुत कमाल का काम करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस तरह के गाने जो है कुछ हिंदी फिल्मों में भी आते, कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। जो शब्द खो चुके होते हैं वो यंग जनरेशन को आपके गानों के माध्यम से पता पड़ती है कि अच्छा ये भी वर्ड है, और वो जी बोलचाल में आ जाते हैं। फिर जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर।